उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की जिंदगी अच्छी गुजर रही होगी। बड़ी खबर लीक हो गई, इस टाइम सिंध हाउस में कितने MNAs मौजूद हैं, इमरान खान साहब के पास टोटल MNAs कितने मौजूद हैं, क्या इमरान खान साहब की हुकूमत जा रही है, वो तमाम तर खबरें जो मीडिया पर ना चल सकी आपके साथ मुकम्मल शेयर करूंगा कि मुकम्मल तफसीलात क्या है। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, तमाम तर डिस्कस चीजें डिस्कस करने से पहले आगे बढ़ने से पहले आप सबसे ये गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो ये चैनल अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, सारे के नोटिफिकेशन पर दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोज हैं आप उनको मिस ना कर सकें। सबसे पहले आपको आज की खबर दे देते हैं कि आज वफाकी वजीरे ताला पाकिस्तान शेख रशीद साहब 12 बजे वजीरे आजम इमरान खान साहब के साथ वजीरे आजम हाउस में मुलाकात करेंगे। उस मुलाकात में तमाम तर जो मामलात हैं उनको तय किया जाएगा और आपस में डिस्कशन होगी। और इसके अलावा जो वजीरे आजम इमरान साहब हैं उन्होंने वफाकी वज़रा का इजलास बुला लिया है और जितने भी उनके पास सिस्टम वजीर मौजूद है तो तमाम तर लोग जो हैं वो कदर तौर पर इजलास में शिरकत करेंगे। और इजलास के शिरकत के बाद 3 बजे शेख रशीद साहब जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगला लाया अमल आपको बताया जाएगा और बकायदा तौर पर शेख रशीद साहब जो हैं वो तमाम तर मामलात को क्लियर कर देंगे। खैर, बात करते हैं सिंध हाउस की। कल से खबरें जो हैं कुछ वायरल हैं, इस टाइम मीडिया पर एक तूफान आया हुआ है और इसके अलावा सियासी हलकों में अजीबो गरीब हलचल मची हुई है। तमाम तर जो नजरें हैं वो वजीर आजम हाउस के ऊपर और सिंध हाउस के ऊपर लगी हुई हैं। हुआ कुछ यूँ था कि सिंध में कदर तौर पर हुकूमत को इतला मिली थी और हुकूमत ने वो इतला दी थी एयरवाय न्यूज़ को और डिफरेंट चैनल्स को कि हमारे कुछ लोग जो हैं वो गायब हैं और वो हमें पता है कि सिंध में यानी कि सिंध हाउस जो है इस्लामाबाद में तो वो वहां पर मौजूद है। बाद में जो सैयद मुराद अली शाह हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर चला गया था, वो बता नहीं रहे थे, उन्होंने इमरान खान साहब को बड़ा सरप्राइज देना था। और हुआ कुछ कि जब कदर तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस चली और तमाम तर मामलात को देखा गया तो जब सैयद मुराद अली शाह से सवाल पूछा गया कि ये लोग क्या आपने अगवा कर लिए हैं, असल मामला क्या है, तो हुआ यूं है कि सैयद मुराद अली शाह जो हैं उन्होंने कहा कि इन्हें हमने अगवा नहीं किया बल्कि ये लोग हमारी सेफ कस्टडी में मौजूद हैं। देखिए, ये एक अजीबोगरीब बात है कि हुकूमती अरकीन, वफाकी हुकूमती अरकीन जिसमें बकायदा तौर पर बड़े बड़े नाम भी मौजूद हैं, राजा रियाज साहब और दीगर जो लोग हैं वो वहां पर मौजूद है, तो वो और महेश कुमार साहब जो हैं जो कह रहे हैं कि मेरी फैमिली के ऊपर अटैक हुआ, मुझे तरीके इंसाफ से खतरा है, उसके बाद डॉक्टर शहबाज गिल और उनकी दरमियान जो मुकालमा हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था, इतनी जो मीडिया पर बातें चल रही हैं वो नहीं होनी चाहिए थी, यानी कि डॉक्टर शहबाज गिल और उनके दरमियान जो कुछ हुआ रमेश कुमार के साथ जो कि कामरान शाह का प्रोग्राम था, कामरान शाह साहब जो हैं वो अक्सर इस तरह के लड़ाइयाँ करवा देते हैं तो उनको नहीं करवानी चाहिए। तमाम तर मामला जो हैं वो कुछ असलूबी से भी हल हो सकते हैं, ये मामला कोई इतना बड़ा मामला नहीं है। अच्छा, जो वहाँ पर जितने भी लोग हैं पहले मैं आपको बता देता हूँ कि टोटल बंदे कितने हैं। देखें, वहाँ पर गरीदा फारूकी साहब ने इंटरव्यू किया, आमद मीर साहब जो हैं उन्होंने इंटरव्यू किया, तमाम तर जो एंकर थे वो वहाँ पर गए, नदीम मलिक साहब के, इसके अलावा काशिफ अब्बासी साहब के, उनसे उनके तमाम तर चीज़ें जो हैं पूछी गई कि आपको क्या तहफात है, किसी ने कहा कि हमारी गली नहीं बनी, किसी ने कहा हमारी सड़कें नहीं बनी, कई लोग जो हैं वो कहते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो ईमानदार शख्स है, हमें इमरान साहब से कोई मसला नहीं है लेकिन उनके जो दाएँ बाएँ आगे पीछे बंदे बैठे हैं हमें उनसे मसला है। तो ये तमाम तर बातें चलती रही। पूछा गया कि अब आप क्या करेंगे तो राजा रियाज ने कहा कि मैं मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन करने जा रहा हूँ, मुझे वहाँ से टिकट मिलेगा, मरियम और जदेव साहबा वहाँ पर मौजूद थी, इसके अलावा अता रफीक तार साहब जो हैं वो वहाँ पर मौजूद थे और तमाम तरचीजें जो हैं वो वहाँ पर होती रही। जो टोटल MNAs इस टाइम वहाँ पर मौजूद हैं उनकी तादाद है सिर्फ 8 लोग वहाँ पर मौजूद हैं।
8 से ज्यादा लोग वहां पर मौजूद नहीं है। जो राजा रियाज रमेश कुमार जो दावा कर रहे हैं कि उनके साथ 25 या 30 बंदे मौजूद हैं, जिन बंदों का उन्होंने जिक्र किया। रात को कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कराची में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और जो तहरीक इंसाफ वाले हैं उन्होंने अपने तमाम लिंक्स लड़ाए, तो पता चला कि मोना सिलाई जो है वो इंग्लैंड गए हुए हैं, और गलत तौर पर कुछ वजीरों की खबर थी कि वो भागे हैं, जो इस टाइम उधर हैं वो वापस आ जाएंगे, वो इमरान साहब के साथ मिल जाएंगे। तो टोटल सिर्फ 8 बंदे इस टाइम सिंध हाउस में मौजूद हैं। क्या इन 8 से इमरान साहब को खतरा है? देखें अपोजिशन जो है, जो मुतहिदा अपोजिशन है जिनमें 11 पार्टीज थी, और ये 8 लोग जो कि जंगी तरीन ग्रुप का हिस्सा है, इनको मिलाकर मुतहिदा अपोजिशन के पास नंबर है 162, 162 अरकान उनके पास मौजूद हैं। ये 8 मिलाकर उनके पास 170 बंदे मौजूद हैं। तो इनको मुतहिदा अपोजिशन को 172 रिक्वायर्ड है, ना कि 170। 171 होने से भी इमरान खान साहब की हुकूमत को खतरा नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट भी मौजूद है, और वो इंटरेस्टिंग ट्विस्ट यह मौजूद है कि इस टाइम इमरान खान साहब के पास उनके अपने बंदे भी मौजूद हैं। इमरान खान साहब के पास बकायदा तौर पर शेखशी साहब ये दावा कर रहे हैं, और शेखशी साहब कोई गलत दावा नहीं करते होते, उनके अक्सर दावे ठीक होते हैं। उन्होंने मीम शीन और नून का जिक्र किया था, वो 3 धड़े हमने देखे। तो शेरशी साहब दावा करते हैं कि अपोजिशन के 12 बंदे, मुस्लिम लीग नून के 12 बंदे उनके साथ रابطे में हैं। तो इस टाइम जो हुकूमत है, पहले उनके पास हुकूमत के पास काफी बड़ी तादाद थी, 180 के पास उनके करीब बंदे थे। तो ये 8 जो हुकूमती अरकीन जो इनसे निकल गए थे, और वो 8-10 बंदे अगर उनको मिलाया जाए, तो इमरान खान साहब के पास 180 प्लस बंदे मौजूद हैं, जो कि इमरान खान साहब के लिए काफी हैं। हुकूमत को 2 अरकीन की जरूरत है, और सॉरी अपोजिशन जो है उनको 2 बंदों की जरूरत है, और MQM वाले जो हैं वो मुतहिदा अपोजिशन का साथ देने वाले नहीं है। इमरान खान साहब के पास बंदे पूरे हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो है, इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरे पास अगर कोई बंदा ना भी रह जाए तो तब भी मेरे पास एक ऐसी चीज मौजूद है जो मैं करूंगा, तो सारी जगह पर झाड़ू फिर जाएगा, ये लोग बचने वाले नहीं है, NRO किसी को नहीं दूंगा, आखिरी बाल तक खेलूंगा। जो मुतहिदा पोजीशन है उन्होंने 11 जमातें इकट्ठी की, इनके बंदे तोड़े, इनके बंदे जो तोड़े हैं वो भी अभी खुलकर सामने नहीं आ रहे, खुलकर बयान नहीं दे रहे कि आया कि हमने वाकई इमरान साहब से गद्दारी की है, या ये सिर्फ सिर्फ प्रेशर डालने की कोशिश किया है कि इमरान साहब इस्तीफा दे दें, क्योंकि वहां पर जितने भी लोग हैं वो कहते हैं कि इमरान साहब इस्तीफा दे दें। अगर आपको वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान फोर पे दबा।